भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह सर एक बार सर सर एक बार महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी मूर्ति नहीं आई। भारत माता की वंदे मूर्ति चल उधर हम चलते उधर से फोटो हो जाएगी यार। यार यहाँ पर फोटो हो जाएगी हम उस साइड चले जाते हैं ना तो बैग हम उस साइड हो जाते फिर भारत माता की जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध हिमामें जागे तब शुभ आशीष मृत भाग्य विधाता आदरणीय रविंद्र राणा जी महामंत्री सभा श्री शर्मा जी युद्धवीर सेठी जी सभी मोर्चों के पदाधिकारी आप सब कैसे कार्यक्रम आज युद्धवीर सेठी जी मेरे आगे मंच पे हैं इस विजय दिवस पे हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी महाराजा हरि सिंह जी जो आज विलय दिवस का दिन है इस पावन दिवस पे हम सब इकट्ठे हुए का विलय किया गया भाई उन्होंने मंदिरों के अंदर जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का हमेशा के लिए एक हिस्सा बन गया और आप लोगों को याद है या नहीं लेकिन मेरे उम्र के लोगों को याद है कि जैसे ही दस्तखत हुए भारतीय फौज जम्मू और कश्मीर में जाकर के कबीलियों के आक्रमण को रोकने के लिए तैनात कर दी गई और जो हवाई अड्डे के ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे श्रीनगर के अंदर तो भारतीय लहू शहीद के तौर के ऊपर बहा और उन कबीलियों को श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करने से रोका। आज मुझे विशेष तौर पे कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से आप जम्मू जाओ और हरि सिंह जी के चरणों के अंदर माला चढ़ाओ। मैं आज आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूं मोदी सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आपको मुबारकबाद देने के लिए कि जो काम हरि सिंह जी ने शुरू किया था आज के दिन नरेंद्र भाई मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया है कि 370 की धारा 35 ए की धारा ये समाप्त करने के उपरांत आज के दिन चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो और चाहे तालिबान ही क्यों ना हो आज के दिन कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर किसी और मुल्क का कब्जा हो सकता है। हमेशा हमेशा के लिए आज के दिन ये भारतवर्ष का हिस्सा बन गया है और आज इस मुबारक दिन के ऊपर भारत सरकार की शुभकामनाएं लेके आपके बीच के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस दिन को अनादि काल से भारत भूमि का हमेशा हिस्सा रहा। जम्मू कश्मीर भारत है और जम्मू कश्मीर ने हमेशा राष्ट्रवाद के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य किया। हमारे महाराजाओं ने महाराजा हरि सिंह बहादुर जो कि एक क्रांतिकारी थे और जो प्रजा परिषद जो 1947 में जिसका गठन हुआ था कि जम्मू कश्मीर में दो झंडे
दो विधान और दो प्रधान ये नहीं चलेंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर महाराजा हरि सिंह बहादुर ने जम्मू कश्मीर के अंदर प्रजा परिषद का गठन किया, वही प्रजा परिषद जो बाद में भारतीय जनसंघ के साथ मिली और भारतीय जनसंघ का बाद में विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। अर्थात महाराजा हरि सिंह बहादुर हमारे बहुत ही आदर्शवान हमारे नेता थे, राजा थे। आज के इस पवित्र दिन में उनको नमन करता हूं। महाराजा हरि सिंह जी ने हमेशा देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया और आजादी की लड़ाई में चाहे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, हमेशा उन्होंने देश की आजादी की बात की। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे पूजनीय सरसंघ चालक जी थे, पूजनीय गुरु गोलवलकर जी, उनके साथ महाराजा हरि सिंह बहादुर की बहुत अच्छी दोस्ती थी, मित्रता थी। जब प्रिंसली स्टेट्स का विलय भारत के साथ हो रहा था और प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे उनको विलय के बाद उन क्षेत्रों का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित किया जा रहा था, महाराजा हरि सिंह जी के साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू और यहाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने छल किया और विलय के बाद यहाँ प्रशासक महाराजा हरि सिंह बहादुर के बजाय शेख अब्दुल्ला को बना दिया और महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ एक साजिश करके महाराजा हरि सिंह बहादुर को जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की सरकार और शेख अब्दुल्ला ने हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। यहाँ उग्र आंदोलन हुए, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, एक विधान एक प्रधान एक निशान के लिए। तारीख का वो दिन है जिस दिन जम्मू कश्मीर का विलय भारत ने होया और तारीख का ये वो पल है जिसने महाराज साहब ने एक बार फिर से दृढ़ निश्चय करिए अपने आप की भारत कने लीन किता। महाराज हरि सिंह जी बहादुर केवल जम्मू कश्मीर के महाराज नहीं थे, पूरे भारतवर्ष में उनकी शक्ति थी। एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के हिंदू राजा होने के ऊपर उनके राज्य काल के बीच एक इंसाफ की प्रणाली चली जिदे कने वो लोकप्रिय हुए। महाराज साहब ने एक गल आखी जिड़ी मैं समझना कि हर वेले हर संदर्भ में हर परिस्थिति बड़ी कारगर है। उन्हें आखिया जिहड़ा रूलर है, जिहड़ा आदमी राजा है, उहदा धर्म कुछ नहीं हुंदा। उहदा धर्म जिहड़ा है और राज धर्म है, और राज धर्म जिहड़ा है वो इंसाफ का धर्म है, वो इंसानियत का धर्म है और उसका तराजू इको है कि क्या इंसानियत की कसौटी ऊपर, इंसाफ की कसौटी ऊपर बिना किसे मजहब मिलत दे, बिना लिहाज मजहब मिलत जुबान दे वो इंसाफ करें। आज अगर उस वेले देश के नेतृत्व में सुदृढ़ता होंगी जिहड़ी आज दे देश दे नेतृत्व में सुदृढ़ता थी है, अगर उस वेले भी महाराजा हरि सिंह इत्थे होंदे और नरेंद्र भाई मोदी दिल्ली च होंदे, अगर सरदार पटेल की जगह अमित शाह साहब होंदे, शायद 26 अक्टूबर 1947 इतिहास नवा लिखा जाता और शायद 26 अक्टूबर तक इंतजार ही नहीं करना पौंदा, 15 अगस्त की इतिहास लिखा जाता और साड़ा वेले भी जिहड़ा है उस वेले हो जाता। पाकिस्तान बार बार कोशिश करा दा है, पाकिस्तान बार बार एक कोशिश करा दा है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जान। पाकिस्तान अपनी षड्यंत्र और चाले कने कोला बाज नहीं आवा दा, लेकिन पाकिस्तान शायद भुली दा है कि भारत का जिहड़ा सुदृढ़ नेतृत्व है उसके मुकाबले उन्हें हमेशा हार बर्दाश्त करनी पई
बर्दाश्त करेंगे, कामयाब नहीं होगी। और इस नेतृत्व जरा है और भारत के कने विले जरा होया उसी मुकम्मल पांच दस्त की किता इस नेतृत्व ने, और पूरा भारत का इंटेग्रल पार्ट जरा था उस इंटेग्रल पार्ट की जरा टेम्परेरी लव्स था उसी हटाइए परमानेंट करी ओड़िया। और आज मैं समझना कि इस नेतृत्व की वजह कने भाजपा के नेतृत्व की वजह कने आज अस खड़े हैं जम्मू कश्मीर दे विच जेड़ा कि भारत का एक अटूट अंग था, अटूट अंग बनिया और संविधानिकली भी उस अटूट अंग की मजबूत किया। मैं अपनी तरफा और सारे साथियों की तरफा महाराज हरि सिंह जी बहादुर की अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना और मैं इनके अगे नमन करना और भाजपा के नेतृत्व के अगे नमन करना जिन्हें जम्मू कश्मीर की मजबूत किया। भारत अब लगता है कि हमारा जम्मू कश्मीर हम देश के साथ एक हो गए हैं। महाराजा हरि सिंह को याद करने के लिए जो जो काम उन्होंने किए हैं वो काम कोई उस वक्त कर नहीं सकता था। जिस तरह देवेंद्र सिंह राणा ने यहाँ कहा कि राजा का एक ही धर्म होता है, राज धर्म होता है, महाराज साहब ने वो सारा धर्म नवाया, छुआछूत मिटाई, मंदिरों में जाने का प्रयोग हुआ, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, जो भी काम थे वो उस वक्त महाराज के साहब के जमाने में हुए। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी महाराज साहब ने इंग्लैंड के अंदर अंग्रेजों को ललकारा था और जम्मू कश्मीर अपने आप में आजाद ही था। और इस विलय दिवस में एक महाराज साहब के साथ जिन्होंने सहयोग किया वो हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो दूसरे सरसंघ चालक थे गुरु गोलवास्कर जी, वो दिल्ली से आए और महाराज साहब को सारी बात सुनाई। उसके बाद महाराज साहब तैयार हुए और जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ। चलते जम्मू कश्मीर का विलय जो था भारतवर्ष के साथ 26 अक्टूबर को हुआ। दोस्तों आज हम उसी महान विभूति के चरणों में बैठकर नमन करते हुए उस दिन को याद कर रहे हैं। शायद वो वातावरण उस समय का, खास तौर पर 15 अगस्त के बाद से लेकर 22 अक्टूबर का समय, उन्होंने अगर महाराजा अधिराज ने संभाला ना होता तो शायद मित्रों हम लोग कहीं और होते, हमारा इतिहास कुछ और होता। क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा वातावरण बनाया था जिसके चलते लगता था कि ये जम्मू कश्मीर भारत का भी अंग नहीं बन सकता। दोस्तों उस समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कारण ही अगर जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ महान विभूति जिन्होंने हमारा लेटर ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिनके कारण आज हम सब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का भी अंग है, हम सब उनके चरणों में नमन करते हुए। जम्मू और कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है, आज के दिन एक फ्री हवा के अंदर सांस ले रहे हैं यहाँ के लोग, तो उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए, जम्मू और कश्मीर के लिए एक्सेशन के लिए और भारत और सरकार पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आज अक्टूबर का दिन जो हमारे लिए जम्मू कश्मीर की जनता की, खास करके जम्मू की जनता की ख्वाहिश है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी मिल जाए। क्या भारत सरकार से ये निवेदन करेंगे, जम्मू की जनता की मैसेज उन तक पहुँचाएंगे? ज्यादा गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी सचिव है, उन्होंने समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी आए हैं और उनको कहेंगे तो ये अवश्य हो जाए। धन्यवाद। इतना ही हमारे लिए वो दिन मायने रखता है। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी।